हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो हमारा डिस्कशन चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था माइटोसिस। माइटोसिस पे ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, धीरे धीरे हमारा माइटोसिस टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होने वाला है। सो लेट अस टेक अ क्विक रिविजन व्हाट यू हैव स्टडीड टिल। अभी तक हमने देखा माइटोसिस क्या होता है, ये एक तरह का इक्वेशनल डिविजन होता है। हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया, साइटोकाइनेसिस पे हमारा फोकस होगा आज के वीडियो में। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का डिवीजन हमें पता है कितने फेजेस में होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन हमने देखा फोर फेजेस में होता है, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। आज के वीडियो में हमारा ध्यान होगा साइटोप्लाज्म के डिवीजन पे, यानी सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुका है, अब क्या है एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या होगा, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। बट अगर माइटोसिस को कंप्लीट करना है, माइटोसिस पूरा तभी होगा जब सेल भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, यानी दो अलग अलग सेल्स बनेंगे, दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों डॉटर सेल्स के पास अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर जो हमने फेजेस देखे थे कैरियोकाइनेसिस के, यानी न्यूक्लियस डिवीजन क्या था हमारा, कैरियोकाइनेसिस के फोर फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इनमें क्या था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। प्रोफेज में मेन इवेंट्स हमारे क्या हो रहे थे, न्यूक्लियर एनवलप वहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियस एनवलप लगभग डिसअपियर हो चुका था, साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो चुका था प्रोफेज में हमारा। देन सेंट्रियोल जो हमारा डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, वो सेंट्रियोल्स हमारे मूव करने लगे थे अपोजिट पोल्स की तरफ, मूव करने स्टार्ट ही हुए थे, और क्या हो रहा था, एस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इसीलिए हम लोग एनिमल सेल्स में उसे बोलते थे एस्ट्रल माइटोसिस, प्लांट सेल में बोलते थे एनएस्ट्रल माइटोसिस, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा प्रोफेज यानी पहला फेज कैरियोकाइनेसिस का कंप्लीट हुआ था। सेकंड फेज था हमारा माइटोसिस, जिसमें हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से क्रोमोसोम का क्या है, यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्या था क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में कैसे अटैच थी, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक सेंट्रोमियर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, उससे अटैच थी। ये हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में सेंट्रोमियर। फिर सेंट्रोमियर पे एक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर्स, वहाँ पे क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। इसी के साथ क्या होता है मेटाफेज हमारा, मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम्स क्या थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे या माइटोटिक प्लेट पे आके अरेंज हो गए थे, यानी सेल के सेंटर में आके अरेंज हो गए थे। देन थर्ड फेज था हमारा एनाफेज, एनाफेज में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो बनी हुई थी वो क्या हुआ था, सेपरेट हुआ था। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने के साथ ही अब सिस्टर क्रोमैटिड हम लोग नहीं बोलते थे, जिसे हम लोग बोलते थे क्रोमोसोम, यानी पहले जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते थे, सेपरेट होने के बाद हम इन्हें क्या बोलते थे, क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या होता था एनाफेज में, एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जा रहा था, एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जा रहा था। एनाफेज में ये इवेंट हमारा मेन इवेंट था, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट फेज भी होता है। सबसे लंबा फेज कौन सा था हमारा, प्रोफेज। एनाफेज क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट फेज। लास्ट आया था हमारा टीलोफेज, टीलोफेज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रिवर्स प्रोफेज। वहाँ क्या होता है, जो जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी उन उन चीज़ों का अपोजिट होता है, उन उन चीज़ों का रिवर्स होता है। जैसे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज में हुआ था, टीलोफेज में उसका डीकंडेंसेशन हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या हुआ था, यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस से अपियर होना स्टार्ट होता है। इसी के साथ हमारा क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब क्या देखना है हमें, न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, अब हमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराना है, यानी साइटोकाइनेसिस कराना है। अब अगर मैं साइटोकाइनेसिस की डिफिनेशन वाइज अगर लिखना हो एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में अगर पूछा गया साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो इसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देयर बाय द डिवीजन ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म का डिवीजन के साथ ही साथ क्या हुआ, डिवीजन ऑफ सेल, इसे कुछ इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म and thereby the cell divides, and thereby the cell divides into two daughter cells, and each daughter cell will have their own nucleus, and thereby the cell divides into two daughter cells into two daughter cells and each daughter cell will have its own nucleus,
ये तो हमने क्या देख लिया, एक बेसिक डेफिनेशन देख लिया कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ ही साथ क्या हो जाएगा हमारा, सेल डिवाइड कर जाएंगे, सेल डिवाइड करने के साथ ही हो जाएगा हमारे दोनों सेल्स के पास अपने अपने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। देन आगे देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता कैसे है। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस एनिमल सेल्स में अलग होता है, प्लांट सेल्स में अलग मैकेनिज्म होता है। दोनों एक एक करके हम लोग देखेंगे, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एनिमल सेल, सेकेंड है हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जब तक मैं एनिमल सेल पढ़ा रहा हूँ तब तक आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए कि दोनों सेल्स में, मतलब दोनों को याद करने की कोशिश कीजिए कि दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या क्या है हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो उसी से हमारा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल डायग्राम भी देखेंगे, हम लोग एनिमल सेल कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चीज़ें यहाँ होती क्या क्या हैं। सो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हमारा स्टार्ट हुआ था लेट एनाफेज में। लास्ट वीडियो में मैंने डायग्राम भी बनाया था एनाफेज का। सेल धीरे धीरे क्या हो रहा था, इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया था, यानी सेल अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ये क्योंकि एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो एनाफेज में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था साइटोकाइनेसिस का। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट लेट एनाफेज। साइटोकाइनेसिस कहाँ स्टार्ट हुआ था, लेट एनाफेज में स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे सेल धीरे धीरे इलांगोएट होना स्टार्ट हो गई थी। अब साइटोकाइनेसिस होता कैसे है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है फरो के फॉर्मेशन से, यानी एक तरह के कॉन्स्ट्रिक्शन का, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी क्या है, एक गैप लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ये एक सेल है, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होना यानी फरो फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। अकर्स बाय, यानी साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो। डायग्राम भी देखेंगे अभी हम लोग, ये डायग्राम के थ्रू कैसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। फिर यही फरो क्या होगा, धीरे धीरे डीप होना स्टार्ट होने लगेगा, यानी ये जो फरो बन रहा है ये क्या धीरे धीरे डीप होने लगेगा। जैसे ही ये आपस में कांटेक्ट में आएगा दो अलग सेल्स बन जाएंगी, इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। जानेंगे प्लांट सेल में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है साइटोकाइनेसिस में। तो फिर ये क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फरो ग्रेजुअली डीपेंस। ये फरो धीरे धीरे कैसा होगा और डीप होने लगता है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डिवाइड कर जाएगा एंड सेल डिवाइड्स। यही फरो धीरे धीरे डीप होगा और सेल धीरे धीरे क्या होगा, डिवाइड करने लगेगा। डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं ये कैसा प्रोसेस है। यानी अभी तक हमारे पास क्या था, एट द एंड ऑफ टीलोफेज सेल के पास दो न्यूक्लियस थे, ये एक हमने सेल बनाया, इसके पास क्या है, दो न्यूक्लियस है। सेल काफ़ी इलॉन्गेट भी हो चुका था तब तक हमारा, क्योंकि प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो चुका था, हमारा लेट एनाफेज में स्टार्ट हो चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे एक फरो का फॉर्मेशन होगा, यानी क्या होगा, एक तरह की कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी। फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और डीप होता जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डीप होता चला गया, ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डीप होता चला गया। यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में क्या होगा, दो नए सेल्स मिल जाएंगे हमें, दोनों नए सेल के पास क्या होगा, अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ये क्या है हमारा, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। किस तरह से हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट्रिक्शन बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, यानी सेल डिवाइड करना स्टार्ट हुआ बाहर से अंदर की तरफ। तो ये कौन सा मैनर हुआ, फिजिक्स में हम लोग जानते हैं ऐसे फोर्स जो बाहर से अंदर की तरफ लगते हैं, सर्कुलर मोशन में पड़ा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये भी कैसे मैनर में हुआ, सेंट्रीपिटल मैनर में हुआ, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ये डिवीजन कैसा है हमारा, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में हुआ, अपोजिट इसका जस्ट अपोजिट रहेगा हमारा प्लांट सेल में। तो आगे हम लोग देखते हैं प्लांट सेल। थोड़े देर पहले मैंने बोला आप लोगों को सोचने के लिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है। एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में।
एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सबको पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे फरो या कॉन्स्ट्रक्शन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सेल वॉल क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या है, फरो का फॉर्मेशन या कॉन्स्ट्रक्शन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डिवीजन कैसे होता है, यहाँ पे डिवीजन का मैनर कुछ अलग है। अभी हमने देखा एनिमल सेल में कैसे होता है, सेंट्रिपिटल ऑर्डर में होता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ होता है। प्लांट सेल में कैसे होता है, अंदर से बाहर की तरफ में। एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ, प्लांट सेल में अंदर से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, लास्ट पॉइंट ही देख लिया, डिफरेंस क्या मिल गया हमें यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। सेंट्रीपिटल ऑर्डर एंड सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, याद रखना हमें कि कहाँ पे सेंट्रीपिटल है, कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है। अब इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या यहाँ पे मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। तो सेल हमारे पास प्रेजेंट है, इसके पास क्या है, दो न्यूक्लियस है। बट ये एक कैसा सेल है, प्लांट सेल है, यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है, तो फरो का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। याद होगा यहाँ पे क्या होगा, गॉल्गी बॉडीज क्या होंगे, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। गॉल्गी बॉडीज सेल के सेंटर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे, यानी एक तरह का प्लेट का फॉर्मेशन कराएंगे, जिसे आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, सेल प्लेट है ये। एक तरह का क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली प्लांट सेल का अगर साइटोकाइनेसिस पूछा जाए कि कैसे होता है, तो हम लोग यही आंसर देंगे कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेकेंड देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी, सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गॉल्गी बॉडीज और माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद होगा गॉल्गी बॉडीज और माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं कहाँ पे, सेल के सेंटर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गॉल्गी बॉडीज एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज एट इक्वेटर टू फॉर्म फ्रैग्मोप्लास्ट, यानी ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। स्ट्रक्चर बना किसके किसके वजह से, मेनली गॉल्गी बॉडीज एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स याद होगा जो हमारे स्पिंडल फॉर्मेशन के भी हेल्प कराते हैं, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में भी हेल्प कराते हैं। गॉल्गी बॉडीज एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज एट द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स सेल के सेंटर में ये चीज़ें अरेंज होने लगती हैं। देन मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्गी बॉडीज फ्यूज, यानी धीरे धीरे ये जो गॉल्गी बॉडीज अभी दूर दूर हैं, धीरे धीरे इनके मेम्ब्रेन्स क्या होंगे, फ्यूज होने लगेंगे। मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन के साथ ही क्या होगा, एक तरह का प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। धीरे धीरे ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग। ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये गॉल्गी बॉडीज के मेम्ब्रेन क्या होगा, आपस में फ्यूज होने लगेंगे, तो एक तरह का प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट ऑफ का सेल प्लेट बोलते हैं। और यही सेल प्लेट आगे चल के क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा मिडिल लैमेला, जो कि हम लोग सेल वॉल, जब हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, सेल वॉल में क्या पढ़ा था, वहाँ पर मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किसका बना होता है, यही सेल प्लेट आगे चल के किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लैमेला को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडिल लैमेला। Represents middle lamella. Cell plate represents middle lamella. और इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है, यानी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जा रहा है। ये साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होगा, अंदर से बाहर की तरफ में होगा, इसी वजह से क्या बोला हमने, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या हुआ था, बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए ये क्या था, सेंट्रीपिटल। ये है अंदर से बाहर की तरफ, इसलिए ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल प्लेट रिप्रेजेंट हमारा मिडिल लैमेला। क्वेश्चन आता है मिडिल लैमेला किसका बना होता है। अब लगेगा कि ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, अब जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे पता होगा ये चीज़ें इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जहाँ पे सेल वॉल दिया है, वहाँ पे दिया गया कि मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, उसमें भी कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट रिलीज़ कौन करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट वही रिलीज़ करेगा जो मिडिल लैमेला बनाया होगा, यानी जो सेल प्लेट बनाया होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट हमें मिलते कहाँ से? गॉल्गी बॉडीज से। गॉल्गी बॉडीज रिलीजेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। इसी के साथ क्या होता है? हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। देख लिया हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों का डिफरेंस भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा कहने की माइटोसिस में क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।